A very good afternoon everyone. In today's class we learn about dormant company. ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है. See, dormant company के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? In section number 455 of the Companies Act 2013 and rules 3 to number 8 of companies miscellaneous rules. अभी miscellaneous rules है, ठीक है. इसलिए यहाँ पे जो भी फॉर्म हम लोग को मिलेंगे वो MSC करके मिलेंगे, ठीक है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा DIR, फिर DPT, ठीक है, PAS, ऐसा होता है. वैसे यहाँ पे जो फॉर्म्स मिलेंगे वो किस सीरीज में है? MSC, क्योंकि ये मिसलेनियस रूल्स है. अब डोरमेंट कंपनी सबसे पहले तो होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी, चलिए देख लेते हैं. देखो लिखा मीनिंग ऑफ अ डोरमेंट कंपनी. व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. कंपनी बनाया तो है बट एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, या फिर टू होल्ड एन एसेट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर कोई एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनाया गया है, एंड उस कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा है. इट हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. इसके बोलने का मतलब क्या है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं. देखो मान लो कि यहां पे ये तीन लोग हैं और इन तीन लोगों को क्या करना है, कंपनी बनाना है. बिजनेस कब करना है इनको? 2023 में, ठीक है. अभी तीनों क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. बिजनेस करना कब है? 2023 में. तो भी बहुत साल है, बट इन लोगों को क्या लग रहा है कि यार एक कोई जमीन है, एक जमीन अभी बहुत सस्ते में मिल रही है. मान लो कि 2 लाख रुपए में मिल रही जमीन, 2023 तक का इंतजार करेंगे अगर तो जमीन का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा. और कंपनी जब बनाएंगे तो कंपनी को एक फैक्ट्री भी बनाना पड़ेगा, उस फैक्ट्री में हमको क्या पड़ेगा, जमीन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है. तो इन लोगों ने क्या सोचा कि चल जमीन कब खरीद लेते हैं, आज ही परचेज कर लेते हैं. अब हम लोग को मालूम है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी और कंपनी के सारे एसेट्स खुद कंपनी के नाम पे होते हैं. तो इन्होंने सोचा कि कंपनी क्या करते हैं, हम आज के आज ही बना लेते हैं, कंपनी आज के आज बना लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं किसके नाम से, कंपनी के नाम से. बिजनेस जो है वो 2023 में अपना शुरू करेंगे आराम से, जब जमीन सस्ते में मिल रही तो आज खरीद लेते ना. तो कंपनी इन्होंने बना ली, बट इनका बिजनेस करने का मन नहीं है. बिजनेस कब करना है? इट इज फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, लेसन नंबर 16 में हम लोग SBEC का आराम से सीख चुके हैं, ठीक है, कि वो चीजें जो मेरे दिमाग से निकल के आती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. अब कंपनी बनाया तो कंपनी का एक लोगो भी बनाया होगा, ये लोगो भी क्या करवा दिया हमने, कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवा दिया. अब हुआ क्या कि इधर पे है ROC, ठीक है. अब ROC सोचता है कि यार ये कंपनी जो है ना 2-3 साल से कोई बिजनेस कर नहीं रही है. बनाया कब तुमने, कंपनी कब बना लिया? 2020 में. अच्छे समझना, तुमने कंपनी बना लिया 2020 में और 2023 तक तुम कोई बिजनेस नहीं करोगे, 3 साल तक तुम्हारा कंपनी के अंदर में कोई बिजनेस नहीं होगा. तो ROC को क्या लग रहा है कि यार ये कंपनी जो है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये ना तो मेरे पास बैलेंस शीट जमा करता है ना PL अकाउंट जमा करता है, लगता है ये कंपनी जो है बंद हो चुका है, इसका बिजनेस नहीं चल रहा है. तो ROC इस कंपनी को क्या करता है मालूम, स्ट्राइक ऑफ कर देता है, मतलब कि अपने रजिस्टर से इस कंपनी का नाम काट देता है कि यार ये कंपनी बंद हो चुकी है, ठीक है. बट इन लोगों का इंटेंशन क्या था, इन लोगों का इंटेंशन था कि हम लोगों को फ्यूचर में बिजनेस करना है. अब अगर इनकी कंपनी का नाम रजिस्टर से कट हो जाए तो इनको फ्यूचर में परेशानी आएगी, इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये लोग किसके पास गए, मेड एन एप्लीकेशन टू द ROC फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, कि सर आप मेरे को मरा हुआ मत समझिए, ठीक है. हाँ, अभी कुछ दिन हम लोग का बिजनेस करने का मन नहीं है, अभी हम लोग कुछ दिन क्या नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे. तो जो एक्टिव नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंट. पार्टनरशिप में पढ़ा था एक्टिव पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, जो फुल फ्लेज्ड एकदम बिजनेस में हिस्सा लेता है उसको एक्टिव बोलते हैं, जो हिस्सा नहीं लेता उसको हम लोग इनएक्टिव या फिर डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं. भाई यहाँ पे है कि ये एक ऐसा कंपनी है जो बनाया गया है बट किसके लिए, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और ये क्या बोलता है कि सर देख लो आप, मेरा तो कोई वैसा बिजनेस वगैरह भी नहीं चल रहा है, मेरा कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि मेरा तो कुछ ट्रांजैक्शंस भी नहीं होता है, कुछ सेल परचेज लेना देना कुछ नहीं होता है, ठीक है. मेरे को बिजनेस कब करना है, फ्यूचर में करना है. तो अब आप क्या करिए, आप मेरे को डोरमेंट घोषित कर दीजिए, ठीक है. मान लीजिए कि हम 2-3 साल तक क्या है, सोए रहेंगे, काम नहीं करेंगे, मेरे को मरा हुआ समझ के मेरा नाम अपने रजिस्टर से काट मत देना. चलिए, तो वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जिसका क्या नहीं है, कोई भी तरीके का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है,
देन सच अ कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन, या फिर एक इनएक्टिव कंपनी भी एप्लीकेशन कर सकती है. इनएक्टिव मतलब जो वाकई में दो तीन साल से काम नहीं कर रही है और इनएक्टिव हो चुकी है. ठीक है, ये कंपनी फ्यूचर के लिए नहीं बनाया गया था, ये कंपनी बनाया गया था 2020 में ही बिजनेस करने के लिए. ठीक है, 2020 में ही बिजनेस इसको करना था, लेकिन ये एक्चुअली दो तीन साल तक बिजनेस नहीं कर पाया, तो आरओसी इसका नाम क्या कर देगा, अपने रजिस्टर से काट देगा. बट इससे पहले कि आरओसी आपका नाम अपने रजिस्टर से काटे, आप चले गए आरओसी के पास रिक्वेस्ट करते हुए कि सर देखिए मैं कैसा कंपनी हूं, आई एम एन इनएक्टिव कंपनी. ठीक है, बट यकीन मानिए दो तीन साल के अंदर हम अपने आपको एकदम फिट एंड फाइन कर लेंगे और अपना बिजनेस शुरू कर देंगे. तो मेरा नाम काटने की बजाय आप मेरे को दो तीन साल के लिए क्या मान लीजिए, डोरमेंट मान लीजिए, हम जरूर आएंगे और फ्यूचर में बिजनेस करेंगे. चलिए अब यहाँ पे इनएक्टिव कंपनी का डेफिनेशन समझना है और ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है ये समझना. इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last two financial years. पिछले दो साल में हम कोई धंधा पानी नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं चला रहे और ना ही हमारा कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ अच्छा खासा. या फिर during the last two years it has not filed the financial statements and annual return. हम लोगों ने बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न भी जमा नहीं कराया दो साल से. क्यों नहीं जमा कराया सर, बिजनेस करते ही नहीं है. जब बिजनेस ही नहीं किया तो बैलेंस शीट बनाया ही नहीं, इसीलिए जमा किया नहीं. समझ में आ रहा है? तो आरओसी को लगता है कि यार बिजनेस करते नहीं हो, बैलेंस शीट देते नहीं हो, तुम्हारा नाम अपने रजिस्टर से काट देगा ना. तो इससे पहले कि आरओसी तुम्हारा नाम अपने रजिस्टर से हटाए, तुम खुद चले गए आरओसी के पास और आरओसी को जाकर के क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर प्लीज आप मेरा नाम मत हटाइए, आप मेरे को क्या कर दीजिए, डोरमेंट घोषित कर दीजिए, दो तीन साल के बाद हम दोबारा बिजनेस करेंगे. अब बोलते सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, बोलता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन द फॉलोइंग. मतलब कि ये जो चार ट्रांजेक्शन है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, ये चार ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट है, मतलब कि ये चार तरीके का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो फिर भी आप डोरमेंट कंपनी बन सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नहीं है. ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन दीज. ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है, तो छोटा मोटा है और आपको करना ही पड़ेगा. सर कैसा ट्रांजेक्शन, पहला पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द आरओसी. सर मैंने पैसा दिया है, किसको दिया, आरओसी को. अब आरओसी तुमको क्या बोलता है, तुम क्या बकरा रहे, ये कंपनी के आरओसी के पास किसने मेरे को डोरमेंट कर दिया. आरओसी बोलता तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो लेन देन हुआ पैसे का. तो सर किसको पैसा दिया, सर आप ही को तो दिया, आप ही ने बोला था कि ये वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, बैलेंस शीट फाइल करना पड़ेगा, और फ्री में आप लेते नहीं हो, बैलेंस शीट फाइल करते समय पैसा लेते हो. आप बोल दीजिए कि बैलेंस शीट फाइल नहीं करना है, हम आपको फॉर्म फाइल नहीं करेंगे, आपको पैसा देंगे. तो सर आपके चलते दिया ना मैंने, ये मेरा खुद का कोई सेल परचेज नहीं है, मैंने किसी को सैलरी थोड़ी दिया. फिर बोलते पेमेंट्स मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. सर क्या बात करते, सर वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि तुमको बिजनेस करना है तो एक ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ेगा. ठीक है, अगर तुमने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाया तो हम तुम्हारा कंपनी बंद करवा देंगे. तो सर ये तो मैंने कानून को फॉलो करने के लिए खर्चा किया है, ये मेरा जेन्युइन एक्सपेंसेस नहीं है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है. सर आप ही ने बोला था ना, आप ही ने बोला था कि चाहे बिजनेस करो या मत करो हर साल क्या करवाना होगा, ऑडिट करवाना होगा. तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, अपना ऑडिट करवाया. अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया तो फ्री में नहीं किया ना सर, पैसा लिया. तो पैसा तो मैंने दिया है, पेमेंट्स हैव बीन मेड, बट अपने लिए नहीं दिया. आई हैव मेड द पेमेंट्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, आपके ही कानून को फॉलो करने की वजह से पैसा दिया सर मैंने, ऐसे नहीं दिया. फिर बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट. चलिए अब बोलते हैं कि एक पब्लिक कंपनी के पास कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए. अब ये जो कंपनी है इसके 7 में से 2 मेंबर क्या हो गए, मर गए, तो बचे कितने, 5. तो क्या हम 5 मेंबर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, सर नहीं सर पब्लिक है तो कम से कम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए. तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 2 नए लोगों को कुछ शेयर्स दिया, और शेयर्स फ्री में नहीं दिया होगा, इन लोगों ने कंपनी को क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा. तो आरओसी बोलता है कि यार क्या बात कर रहे हो, तुम तो लोगों से पैसा ले रहे हो. बोले सर पैसा अपनी वजह से नहीं लिया, सर आपने बोला कि कम से कम 7 लोग होने चाहिए, नहीं तो कंपनी बंद करा देंगे, तो इसीलिए मेरे को मजबूरी में शेयर देकर के पैसा लेना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं लेता. फिर बोलते हैं पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. अब ये क्या, सर आप खुद देख लीजिए कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ये रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. रजिस्टर कहाँ मेंटेन करेंगे, उसके लिए आप ही ने बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए. तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस अगर होगा तो उसका मेरे को रेंट देना पड़ेगा, वहां पर रजिस्टर्स खरीदने के लिए मेरे को 100-200 रुपए खर्चा लगेगा. तो ये जो भी एक्सपेंसेस है मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, इस कानून को फुलफिल करने के लिए ही ये सारे एक्सपेंसेस मैं कर रहा हूँ. तो इसीलिए इनको कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर प्लीज अकाउंट मत करिए. चलो वापस एक बार देखते हैं,
कि डोरमेंट कंपनी क्या हुआ? व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? एक ऐसा कंपनी जो बनाया गया पर फ्यूचर प्रोजेक्ट। सर आज बिजनेस करना ही नहीं है सर, बिजनेस से 2-3 साल के बाद करेंगे। हाँ, आज कोई जमीन कोई एसेट सस्ते में मिल रहा है, कोई लोगों मैंने बनाया तो आज के दिन पे कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवा लिया। और सर यकीन मानिए मेरा कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है। तो ऐसा कोई भी कंपनी, सच अ कंपनी या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी भी आरओसी के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आप मेरे को क्या कर दीजिए, डोरमेंट कंपनी घोषित कर दीजिए, आप मेरे को स्टेटस दे दीजिए डोरमेंट कंपनी का, मेरा नाम रजिस्टर से मत हटाइए। ठीक है, अब वापस से आया बात कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है। चार तरीके के ट्रांजेक्शन को छोड़कर आपने आरओसी को पैसा दिया, नहीं तो इस कानून को पूरा करने के लिए आपने कुछ पेमेंट्स किया, नहीं तो आपने शेयर बेचा है वो भी किस लिए, इस कानून के चलते, नहीं तो आपको ऑफिस और रिकॉर्ड्स का कुछ खर्चा करना पड़ा। ये सारा सिग्निफिकेंट नहीं, ये तो नॉर्मल है। इनएक्टिव क्या होता है, जो सर पिछले 2 साल से कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, कोई उसका सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है पिछले 2 साल से, यहाँ तक कि उसने 2 साल से क्या नहीं किया, बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न ये सब नहीं जमा कराया। चलो नेक्स्ट, अब बताए हाउ टू ऑब्टेन द स्टेटस, आप आरओसी के पास कैसे जाओगे। पहला तो बोलता है डोरमेंट बाई आरओसी। अगर आप कैसा कंपनी हो, इनएक्टिव कंपनी हो, तो आरओसी क्या करेगा, आपका नाम अपने रजिस्टर से काट देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर आप इनएक्टिव कंपनी हो, काम धंधा नहीं करते हो, तो आरओसी आपका नाम अपने रजिस्टर से हटा देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। बट यहां पे बोलता है कि आरओसी चाहे तो स्ट्राइक ऑफ करने की जगह खुद से भी आपको क्या कर सकता है, डोरमेंट कर सकता है। अगर आरओसी चाहे तो स्ट्राइक ऑफ करने की जगह आपको क्या कर सकता है, डोरमेंट भी कर सकता है, आरओसी के पास ही ऑप्शन है। इन केस ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स, देखो 2 साल से नहीं जमा करते, वो कौन सा कंपनी होता है, इनएक्टिव ही तो होता है। देन द रजिस्ट्रार शैल इशू अ नोटिस टू दैट कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच अ कंपनी इन द रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर डोरमेंट कंपनीज। तो ये मान के चलो कि बहुत कम केसेस में होता है कि आपको डोरमेंट किया जाता है, नॉर्मली आरओसी आपको इनएक्टिव करने की वजह से स्ट्राइक ऑफ कर देती है। ठीक है, डोरमेंट बहुत कम केसेस में होगा, बट अभी है अपने सिलेबस में तो पढ़ना है। फिर बोलते हैं हाउ टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी एप्लीकेशन बाई कंपनी। अभी हमने पढ़ा ना कि कंपनी जा सकती है कि सर आप मेरे को बना दो डोरमेंट, कैसे, कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी अ फॉर्म, फॉर्म नंबर MSC1। MSC क्यों आया, ड्यू टू मिसलेनियस। ठीक है, फॉर्म का नाम क्या है, MSC1। व्हाई दिस फॉर्म इज फाइल्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब बात है कि कंपनी किसका है भाई, शेयर होल्डर लोग का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या होते हैं, जस्ट एम्प्लॉइज होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो आरओसी के पास जाए और बोले कि कंपनी को क्या कर दीजिए, डोरमेंट कर दीजिए। पूछना पड़ेगा किससे, शेयर होल्डर से। तो क्या करता है, कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर आप मीटिंग नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाइए। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर इशूइंग अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स को एक चिट्ठी लिखे और रिटन कंसेंट मंगवा लीजिए, एंड ऑब्टेनिंग कंसेंट कितने का, एटलीस्ट 3/4 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू। 3/4 मतलब कितना हो गया, 75%, यानी कि ऐसा के बराबर। या तो आप मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, या फिर आप शेयर होल्डर्स के घर पे चिट्ठी लिख दीजिए और उनसे रिटर्न कंसेंट ले लीजिए, कितने का, 3/4 का। नेक्स्ट, अब बोलते कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, रूल नंबर 3। यहां पे दिया हुआ है कि किस कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। पहला बोलता है अगर उस कंपनी के खिलाफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो फिर हम आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते। समझ में, मान लो कि ये कंपनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, अभी इसके खिलाफ क्या कर रहा है ना, एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब ये कंपनी गई आरओसी के पास और क्या बोला, सर आप घोषित कर दीजिए कि हम सो रहे हैं। भाई सोते हुए इंसान को परेशान करना बुरी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे को आकर के परेशान नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा बात, तो कंपनी डोरमेंट क्यों होना चाहती है, इस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए। तो क्या इसको डोरमेंट कंपनी का खिताब देना चाहिए, स्टेटस देना चाहिए, सर नहीं देना चाहिए। फिर बोलते हैं नो प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग। सर आपके खिलाफ तो कोर्ट में क्या हो रहा है, अभी सुनवाई चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते। अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो आपके खिलाफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, द कंपनी इज नाइदर हैविंग एनी पब्लिक डिपॉजिट्स व्हिच आर आउटस्टैंडिंग नॉर द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन पेमेंट देयर ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। मतलब ये जो कंपनी है इसने पब्लिक से क्या किया था, कुछ पैसा लिया था, ठीक है, और अभी तक ये पैसा इसने क्या नहीं किया है, वापस नहीं किया। अब कंपनी का डोरमेंट हो जाए और कंपनी के दरवाजे पे क्या लग जाए, लॉक लग जाए, यार हम तो आराम से सो रहे हैं, मेरे दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, बिजनेस हम 3-4 साल के बाद करेंगे, तो तुमने पब्लिक से पैसा लिया,
ठीक, और अब दरवाजे पे ताला लगा के बैठे हो तो पब्लिक तो परेशान होगी, तो क्या बोलते कि जब तक तुमने पब्लिक का पैसा वापस नहीं किया तब तक हम तुमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते। अगर पब्लिक से तुमने डिपॉजिट लेके रखा है जो क्या है आउटस्टैंडिंग है, तुमने अभी तक लौटाया नहीं है, या फिर ड्यू डेट आ चुका है और तुमने क्या कर दिया डिफॉल्ट कर दिया है या तो प्रिंसिपल का या तो इंटरेस्ट का, तो हम तुमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते। अगेन वेयर द कंपनी इज हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लोन, अगर कंपनी का कोई भी तरीके का आउटस्टैंडिंग लोन है, कंपनी ने मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया था लोन लिया था, अब ये लोन का पैसा नहीं चुकाया अभी तक और अपने दरवाजे पे ताला लगा के बैठा है, तो इसको भी हम लोग डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देंगे। हाँ, अब अगर कंपनी जाए और SBI से परमिशन ले ले कि सुनो डियर SBI तुम्हारा लोन तो जो है वो 20 साल का है, ठीक, मैं 2-3 साल क्या कर रहा हूँ अपने आप को डोरमेंट बना रहा हूँ, तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? SBI ने बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, SBI ने दे दिया अपना NOC, तो क्या मेरे को डोरमेंट कंपनी बनाया जा सकता है? बोलता हाँ बना सकता है, जिस इंसान ने लोन दिया उसको ही प्रॉब्लम नहीं है तो RSU को क्या प्रॉब्लम है? If there is any outstanding unsecured loan, the company may apply after obtaining the concurrence of the lender. Lender कौन हुआ यहाँ पे? SBI concurrence मतलब उसका approval, उसका permission. समझ में? उस lender का permission लेने के बाद हम apply कर सकते हैं. फिर बोलते हैं, there is no dispute in the management or ownership. बोलता है कि जो management के लोग हैं उनके बीच में कोई dispute नहीं होना चाहिए. कल को अगर मैंने तुमको क्या कर दिया? Dormant घोषित कर दिया. बाद में तुम तो पीछे से management के लोग लड़ रहे हैं. ठीक? तो फिर तो परेशानी आएगा. एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए बोलते हैं कि आपके बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए. फिर आपने किसका पैसा नहीं चुकाया? द कंपनी डज नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूज और ड्यूटीज. आपका कोई स्टैट्यूटरी टैक्स, ड्यूज ये सब बाकी नहीं होना चाहिए, सरकार का पैसा बाकी नहीं होना चाहिए. अगर बाकी नहीं है तो ठीक है भैया, अगर बाकी है तो हम आपको डॉर्मेंट नहीं बना सकते. नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, अपने लोगों का जो आपके यहाँ पे काम करते हैं उनका पैसा बाकी नहीं होना चाहिए. फिर बोलते हैं सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड विद इन और आउटसाइड इंडिया. ठीक है, अगर आपका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर आपका शेयर स्टॉक मार्केट में क्या है लिस्टेड है, तो हम आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है यानी कि करोड़ों लोगों के पास आपकी कंपनी का शेयर है, अगर मैं आपकी कंपनी को डोरमेंट बना दूंगा तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है. चलो वापस देखते एक बार, डोरमेंट बाय ROC, अगर ROC को लगता है कि आपने 2 साल से मेरे पास डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करने की जगह आपको डोरमेंट भी घोषित कर सकता है. नेक्स्ट, कंपनी भी एप्लीकेशन कर सकती है मगर उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. फॉर्म का नाम क्या? फॉर्म नंबर MSC 1. अच्छा, ये फॉर्म फाइल करने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या फिर आप रिटर्न कंसेंट ले लीजिए 3/4 का, कोई दिक्कत नहीं. फिर बोलता है कि अगर आपको डोरमेंट कंपनी बनना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपके खिलाफ कोई इंस्पेक्शन या इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, कोर्ट में सुनवाई नहीं चलना चाहिए. आपने पब्लिक से पैसा लिया है तो पैसा लौटा दो, अगर पैसा नहीं लौटाया है तो आप डोरमेंट नहीं बन सकते. बैंक का कोई लोन वगैरह आपका बाकी है, किसी का भी कोई लोन वगैरह बाकी है, एनी आउटस्टैंडिंग लोन, तो आप डोरमेंट नहीं बन सकते. सर, जिस इंसान से मैंने लोन लिया था अगर वो परमिशन दे दे तो चलिए, अगर आपको उस लेंडर का परमिशन मिल गया तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फिर सरकार का कोई पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए और आपके मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. अब है सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. तो कंपनी ने ROC के पास क्या फाइल किया? फॉर्म नंबर MSC 1. ROC ने क्या किया? वेरीफाई किया कि हाँ इस फॉर्म में कोई परेशानी नहीं है. तो ROC ने इस कंपनी को क्या दिया? एक सर्टिफिकेट दिया कि जाओ बेटा आज के बाद तुम क्या हो गए? एक गवर्नमेंट कंपनी हो गए. और ये सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में दिया? फॉर्म नंबर MSC 2. ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है? MSC 2. तो ROC shall, after considering the application filed in MSC 1, issue a certificate in form number MSC 2 allowing the status of dormant company. कि जाइए आप dormant company बन गए. Next, exemptions to a dormant company. कि अगर आप एक dormant company हो, अगर आप एक dormant company हो तो आपको क्या फायदा होगा? सर बहुत सारे फायदे. एक कंपनी को सेक्शन 173 के हिसाब से साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, लेकिन डॉर्मेंट को मैंने क्या कहा? Only 2 board meetings ही नहीं है. कि आप साल में 2 meeting भी कर लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा. ये already हम लोग section 173 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे repeated है. फिर बोलते हैं एक normal company जब अपना financial statements बनाती है तो वहाँ पे उसको balance sheet plus PL plus cash flow statement ये सब सब देना पड़ता है. लेकिन आप तो dormant company है, आपका तो कोई transaction होता ही नहीं है, ना पैसा आता है ना पैसा जाता है, तो cash flow बनाने का जरूरत आपको नहीं है. No need to include cash flow statement. फिर no need to rotate auditors. सेक्शन 139 इसके अंदर में लिखा हुआ है कि आपको हर 5 साल के बाद क्या करना पड़ेगा? अपना ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा. भाई तुम्हारे यहाँ तो ट्रांजेक्शन ही नहीं होते, ऑडिटर चेंज करने का जरूरत नहीं है.
लेकर लेसर कंप्लायंसेस कंपेयर्ड टू एक्टिव कंपनीज। एक्टिव कंपनीज को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, डोरमेंट कंपनी को उतना फॉलो करने का जरूरत नहीं है। फिर बोलते कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर 5 consecutive years। आप कितने साल तक डोरमेंट बने रह सकते हैं? 5 consecutive years। सर अगर 5 साल तक मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया तो क्या होगा? तो आरओसी ये मान लेगा कि आपका बिजनेस शुरू करने का मन है नहीं, और फिर उसके बाद आरओसी आपका क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ठीक है, जिस दिन आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिला है वहां से आप मैक्सिमम 5 consecutive years लगातार 5 साल डोरमेंट कंपनी की तरह सो सकते हो, आराम कर सकते हो। लेकिन 5 साल के अंदर अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं किया तो फिर आरओसी आपका नाम अपने रजिस्टर से काट देगा, आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा। लेते हो गए बेनिफिट्स। अब यहाँ पे कंप्लायंसेस, मतलब कि सर कोई कंपनी अगर क्या हो जाए, डोरमेंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि क्या उसको कुछ भी फॉलो नहीं करना? बोला ऐसा नहीं है। आप डोरमेंट अगर हो गए उसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। सर क्या करना है? पहला, ऑलवेज मेंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए 1% कंपनी के पास एक होना चाहिए, प्राइवेट के पास कम से कम 2 और पब्लिक के पास कम से कम 3। तो मान लीजिए कि एक पब्लिक कंपनी थी, वो 2019 में क्या हो गई? डोरमेंट। 2021 में उसके 2 डायरेक्टर्स की क्या हो जाएगी? मान लो डेथ हो जाएगी। अब इस कंपनी के पास कितना डायरेक्टर है? सिर्फ 1 डायरेक्टर है। तो ये कंपनी सोच रही है यार मेरे को तो बिजनेस वैसे भी नहीं करना, क्या फर्क पड़ता है मेरे यहाँ पे 1 डायरेक्टर हो 2 या 3 हो। बोलते नहीं, तुम डोरमेंट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन नहीं करोगे। तुमको 2 डायरेक्टर्स क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। यू हैव टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग कॉल करना पड़ेगा, राइट? साल भर में बोला ना कि 2 बोर्ड मीटिंग कर लो, 4 नहीं है, चलो 2 ही कर लो। तो बोर्ड मीटिंग कॉल करिए, डायरेक्टर्स अपॉइंट करिए। चलिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा सर, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो फॉर्म भी फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर DIR 12। क्या मेरे को भी करना? बोलता हाँ, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स चेंज होते हैं ना, तो उसके लिए आपको फॉर्म जो फाइल करना है वो करना पड़ेगा। फिर बोलते रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। व्हाई रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट? अगेन, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, 2 शेयर होल्डर मर गए, तो कंपनी ने कुछ नए लोगों को फिर से क्या दिया? शेयर्स दिया। तो जब शेयर्स देते हैं तो एक फॉर्म फाइल करते हैं हम लोग, PS3। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर आपके डायरेक्टर्स में चेंज हुआ तो डायरेक्टर्स के लिए फॉर्म फाइल करिए, शेयर होल्डर्स में चेंज हुआ तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करिए। मतलब कि डोरमेंट कंपनी को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स मेंटेन करना पड़ेगा। आपके डायरेक्टर्स और मेंबर्स कभी भी मिनिमम नंबर से लेस नहीं होने चाहिए। फिर बोलते हैं कि सर साल भर में आपका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप डोरमेंट हो तो फिर आपका छोटा मोटा हो सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या बोला कि चलिए हर साल आप क्या जमा करिए? रिटर्न जमा करिए मेरे पास, फाइल अ रिटर्न एनुअली। सर इस रिटर्न में क्या दिखाएंगे? इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। इस रिटर्न में दिखाएंगे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कि मैंने पिछले 1 साल में ऐसा क्या काम किया, कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, नहीं किया है। ठीक है, दिस फाइनेंशियल पोजीशन शैल बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इस रिटर्न का फॉर्मेट क्या? फॉर्म नंबर MSC 3। ये रिटर्न कब तक जमा करना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि 30 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। जिस दिन आपका साल खत्म हुआ वहां से नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है हर साल। फिर होल्ड 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी से जून के बीच में 1 मीटिंग और जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में 1 मीटिंग। तो कैलेंडर ईयर बोला है ना यहाँ पे, मतलब कि जनवरी से लेके दिसंबर। और ईच हाफ, तो 1 साल में 2 ही हो सकते हैं, हाफ तो 2 ही हो सकता है, तो जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। इस 6 महीने में कम से कम 1 मीटिंग होना चाहिए और इस 6 महीने में कम से कम 1 मीटिंग होना चाहिए। और 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। मतलब कि कंपनी ने क्या किया, 30 जून को 1 मीटिंग बुला लिया और 1 मीटिंग बुला लिया 3 जुलाई को। तो क्या ये चलेगा? कंपनी का कहना कि सर जनवरी से जून के बीच में देखो 1 मीटिंग है और जुलाई से दिसंबर के बीच में देखो 1 मीटिंग है। उतना नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। इन दोनों के बीच में कम से कम कितना दिन का गैप होना चाहिए? 90 डेज का गैप होना चाहिए। चलिए, अब आ गई वो घड़ी जब आपको लगता है कि मेरे को दोबारा से बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। अब आप बनना चाहते हैं दोबारा से एक्टिव। तो एक्टिव बनना है तो अब आपको वापस एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, फॉर्म नंबर MSC 4। फॉर्म नंबर MSC 4 के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है। और किस चीज के लिए एप्लीकेशन करना है? कि सर मेरे को एक्टिव कंपनी बना दो। बोलते MSC 4 के साथ आपको एक और फॉर्म जमा करना है। कौन सा? MSC 3। MSC 3 तो सर रिटर्न होता था ना, अभी पढ़ा। क्यों?
मान लो कि सितंबर 2020 में हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मार्च तक का डिटेल तो हम लोगों ने नेक्स्ट 30 डेज में जमा करवा दिया। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का फाइनेंशियल पोजीशन भी आरओसी आपसे मांगता है कि देखो अप्रैल से पहले मार्च तक का तो मेरे को 30 अप्रैल के अंदर में मिल चुका था, अब ये अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 का फाइनेंशियल पोजीशन भी मेरे को देखना है, तो उसके लिए मेरे को क्या जमा करो, एमएससी 3 जमा करो। अब अगर आपके एमएससी 4 में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, देन द आरओसी शैल अगेन इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर एमएससी 5। ठीक है, तो आप एमएससी 1 में क्या बोलते हो, मेरे को डोरमेंट बना दो। एमएससी 2 में आपको डोरमेंट का क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट। हर साल आपको एक एमएससी 3 फाइल करते रहना है, विच इज द रिटर्न। फिर एक्टिव बनना है तो आपको एमएससी 4 फाइल करना पड़ेगा। फिर एमएससी 5 के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप एक्टिव हो गए। इफ द कंपनी कंटिन्यूज टू रिमेन डोरमेंट फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, देन आरओसी शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। फिर आरओसी क्या करेगा, आपको स्ट्राइक ऑफ करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। अब उसके कंट्रावेंशंस एंड देयर इंप्लिकेशंस। जब आपने फॉर्म फाइल किया था, कौन सा सर, एमएससी 1, क्या बोला था कि मेरे को डोरमेंट बना दो। क्यों बना दो सर, क्योंकि हम तो फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट। सर मेरा तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो मेरे को डोरमेंट बना दो। तो आरओसी ने इन चीजों पे विश्वास करके आपको डोरमेंट बना दिया था, बट मेरा डोरमेंट कंपनी डज और ऑमिट्स टू डू एनी एक्ट मेंशन्ड इन द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन। क्या ग्राउंड्स था, फ्यूचर में करेंगे, ये कुछ है नहीं मेरा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बट आपने ऐसा कोई काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, देन द डायरेक्टर्स शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम सच इवेंट मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव मेंबर। तो आपने जिस दिन बिजनेस शुरू कर लिया, आपने बोला था फ्यूचर में करेंगे, राइट, तो लेकिन उस फ्यूचर की जगह आपने 2-4 महीने में बिजनेस शुरू कर लिया, आपने किसी के साथ कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर लिया, आपको तो नहीं करना चाहिए था। तो जिस दिन भी आपने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो उसके 7 डेज के अंदर क्या करना चाहिए, डायरेक्टर्स लोगों को एक एप्लीकेशन करना चाहिए कि सर गलती हो गया, मेरे को क्या कर दीजिए, एक्टिव बना दीजिए, मेरा तो काम धंधा शुरू हो चुका है। अब मान लो कि कंपनी ने ऐसा एप्लीकेशन नहीं किया, ठीक, और किसको पता चल गया, आरओसी को। आरओसी हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द कंपनी रजिस्टर्ड एज डोरमेंट कंपनी हैज बीन फंक्शनिंग। आरओसी को पता चल गया यार ये डोरमेंट कंपनी तो क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है, तो फिर आरओसी आपको क्या करवाएगा, देन इट मे इनिशिएट इंक्वायरी। फिर वो इंक्वायरी करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये जो भी कुछ आरओसी ने सुना है तुम्हारी कंपनी के बारे में, ये सच है या गलत है, ठीक है। और इंक्वायरी करने के बाद इफ इट इज फाउंड दैट द कंपनी हैज एक्चुअली बीन फंक्शनिंग, कि नहीं यार ये तो सही बात है, कंपनी तो काम कर रही है, तो आरओसी क्या करेगा, रिमूव योर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट वाले रजिस्टर से तुम्हारा नाम हटाएगा और तुमको क्या कर देगा, खुद से ही एक्टिव कंपनी बना देगा। तुमने एप्लीकेशन नहीं किया एमएससी 4 में, लेकिन वो खुद ही तुमको एक्टिव बना देगा, क्योंकि आरओसी को पता चल चुका है कि तुम काम कर रहे हो। नेक्स्ट, समराइज प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बने तो क्या करना पड़ेगा, पहला तो डायरेक्टर लोगों ने एक मीटिंग बुलाया और डिसाइड किया कि यार ऐसा करते हैं, बट खुद से कर नहीं सकते, इसलिए क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया, यहाँ पे कंसेंट लिया, कितने का, 3/4 लोगों का। फिर तुमने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने ऑडिटर से एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या है, तुम्हारा एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन कि डियर आरओसी देख लो मेरा कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। चलिए, जैसे ही हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं ना, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए फॉर्म अपने को फाइल करना ही पड़ता है, उस फॉर्म का नाम क्या, MGT 14। तो हम लोग हमेशा से कंपनी लॉ में देखते हैं कि जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ आपको ये फॉर्म फाइल करना है। फिर आपको क्या फॉर्म फाइल करना पड़ा, एमएससी 1 फाइल करना पड़ा, किस चीज के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। फिर आरओसी ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया एमएससी 2। कौन कौन से फॉर्म है, एमएससी 1 के अंदर आप एप्लीकेशन करते हो फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, एमएससी 2 में आपको सर्टिफिकेट मिलता है डोरमेंट, एमएससी 3 के अंदर आप रिटर्न जमा करते हो, एमएससी 4 में अगेन एप्लीकेशन करते हो फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, और एमएससी 5 में आपको सर्टिफिकेट मिलता है एक्टिव कंपनी का। तो ये सारा चीज था डोरमेंट कंपनी के बारे में। अब तुम लोग का स्टडी मटेरियल जो है वहां पे भी वापस से एक बार इसको देख लेते हैं, दो बार अपना रिवीजन भी हो जाएगा और अपना पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 455 के अंदर में क्या लिखा हुआ है कि डोरमेंट कंपनी क्या होता है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसका क्या नहीं, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं है, ठीक है, देन सच अ कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, या फिर एक इनएक्टिव कंपनी भी ऐसा एप्लीकेशन कर सकती है। सो इनएक्टिव क्या हुआ, वो कंपनी जिसका कि ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है इन लास्ट 2 ईयर्स, या फिर जिसने क्या नहीं किया, नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स,
अब सर सैड क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मींस द ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पेमेंट मेड टू रजिस्ट्रार नहीं तो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट जैसे ऑडिट वगैरह नहीं तो शेयर अलॉट किया क्यों सर आपने तो बोला मिनिमम शेयर होल्डर्स मेंटेन करना है नहीं तो पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। अभी दो तरीके से हो सकता है कंपनी कैन ऑब्टेन द स्टेटस सुओ मोटो मतलब खुद से या आरओसी भी आपको डिक्लेयर कर सकता है डोरमेंट बाय आरओसी। अगर आपने क्या नहीं किया नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फॉर टू फाइनेंशियल ईयर्स तो आरओसी आपको क्या कर सकता है नोटिस इशू करेगा और डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम लिख देगा। आरओसी शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ इफ द कंपनी रिमेंस डोरमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स 5 साल तक काम नहीं किया तो आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा। प्रोसीजर क्या है? चलिए पहले तो आप क्या करें बोर्ड मीटिंग बुलाइए। बोर्ड मीटिंग बुलाने के बाद आप क्या करिए जनरल मीटिंग बुलाइए। जनरल मीटिंग में या तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लीजिए या फिर आप नोटिस इशू करिए शेयर होल्डर्स को और उनका कंसेंट ले लीजिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है एनजीटी। फिर आपको एक फॉर्म फाइल करना है एमएससी 1 क्यों क्योंकि यही तो क्या है एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आरओसी आपको सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म नंबर एमएससी 2। फिर अपने को एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनवाना रहता है अपने ऑडिटर से जिसमें हमारा फाइनेंशियल पोजीशन नजर आता है। Prerequisites for obtaining the status of dormant company. ROC shall not grant the status if आपको स्टेटस नहीं मिलेगा अगर आपके खिलाफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी चल रहा है या फिर प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कुछ सुनवाई चल रहा है या फिर अपने पब्लिक का पैसा नहीं लौटाया लोन नहीं लौटाया सरकार का पैसा नहीं दिया अपने वर्कमैन का पैसा नहीं दिया करेक्ट। अच्छा अगर आपने किसी से लोन लिया है तो फिर आप उस इंसान से क्या ले लो एनओसी ले लो कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या नहीं होना चाहिए डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट के लोगों में और आपकी कंपनी क्या नहीं चाहिए लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट क्या है आप दो बोर्ड मीटिंग करो काम चल जाएगा। कैश फ्लो आपको देने का जरूरत नहीं है रोटेशन करने का जरूरत नहीं है आपको ज्यादा कंप्लायंसेस करना नहीं पड़ेगा आप 5 साल तक ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हो। फिर बोलते हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आपको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन करना पड़ेगा आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मेंटेन करना पड़ेगा आपको एनुअली हर साल एक रिटर्न जमा करना पड़ेगा फॉर्म नंबर MSC 3। दिस MSC 3 विल शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये कब तक जमा करना है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 30 अप्रैल तक आपको हर साल ही जमा करते रहना पड़ेगा जब तक आप गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस में रहोगे। फिर बोलते हैं कि आपको कैश फ्लो नहीं देना है आपको कम से कम एक मीटिंग भी बुलाना पड़ेगा इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर और दो मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए कम से कम 90 दिन का। चलिए द कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन डायरेक्टर्स। शेयर दिया तो अलॉटमेंट का रिटर्न दीजिए डायरेक्टर्स में चेंज हुआ था उसका रिटर्न दीजिए। फिर बोलते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। अगर आपको एक्टिव कंपनी बनना है तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा MSC 4 और उसके साथ आपको MSC 3 भी देना पड़ेगा किस साल के लिए अप्रैल से लेकर के टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आरओसी को अगर सब कुछ सही लगा तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म नंबर MSC 5। अब क्या बोलते हैं अगर किसी डोरमेंट कंपनी ने कोई ऐसा हरकत किया जो उसको नहीं करना चाहिए था या फिर उसने बोला था कि ठीक है सर मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा मीटिंग होल्ड करूंगा मैं सब कुछ करूंगा लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया तो जिस दिन भी उसका फॉल्ट हुआ वहां से 7 डेज के अंदर डायरेक्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन करेंगे सर मेरे को एक्टिव बना दो। या फिर अगर आरओसी को पता चलता है आरओसी को पता चलता है कि आप एक्चुअली काम कर रहे हो तो आपके खिलाफ क्या करेगा इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको लगता है यार वाकई में काम करते हो आप एक्टिव हो तो आरओसी आपका नाम डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर से हटा देगा और आपको एक एक्टिव कंपनी की तरह ट्रीट करेगा। सिंपल चैप्टर अ वेरी सिंपल टॉपिक डोरमेंट कंपनी हम लोग ओवर हो चुका है। लेसन नंबर 19 है ये हम लोगों का SBEC का स्टडी मटेरियल। लेसन नंबर 20 और 21 का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है तो पार्ट सी तुम लोग ओवर हो चुका है इसको घर में अच्छे से पढ़ो कहीं पे डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे।